सवाल कौन पूछेगा अब? पूछने वाले हैं। ये जानना चाहूँगा कितने एक्साइटेड है बैरल में परफॉर्म कर रहे हैं और क्या है कि परफॉर्मेंस पहली बार है या पहले भी परफॉर्म किया आपने? यार यहाँ मेरा एक्चुअली पहला परफॉर्म है, बट ये जगह से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव, जो इससे पहले जो जगह होती थी वहाँ भी मैं गाता था पिछले साल, बट ये बैरल जो बनाया बहुत ही कमाल बनाया और आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, क्योंकि मेरा अभी गाना भी लॉन्च हुआ और आने वाले टाइम में जो मेरा गाना आने वाला है इंट्रोवर्ट, उसका लॉन्च भी यहाँ पे रखने वाला है। तो ये भी कहना चाहूँगा पहले भी अपने परफॉर्म किया कई जगह पे, क्या कहते हैं कि बैरल का यूएसपी क्या नज़र आता है, किस तरह का वो इन्वायरमेंट है, कितने ज़्यादा आपको ये क्रिएटिव आर्टिस्ट के तौर पर कितना एंथुसियाज्म मिलता है यहाँ पे परफॉर्म करने पे? देखो हर किसी का अलग अलग है, हर एक जगह बहुत बढ़िया है, बट यहाँ पे जो तौहीद भाई जितना, अनिल भाई जितना सबको प्यार करते हैं, मुझे यहाँ पे जो बुला के इतना आवभगत करते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो ये सबके साथ ही ऐसा करते हैं एक्चुअली, यही रीज़न है कि आज बैरल रात को हर रात को हैपनिंग होता है। ये भी तो आपका जो एल्बम है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस था और क्या उम्मीद थी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया एल्बम? जो मेरा एल्बम है किसको पता, आई डोंट नो, भगवान ही जानते हैं कि मैंने जब रिलीज़ किया था मुझे नहीं पता कि मेरा पहला गाना इतना बड़ा हिट होगा, कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कहीं भी जाते हो, चैनल्स ने, एमटीवी ने, सब ने 2 महीने तक चलाया, सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मैं और ज़्यादा अच्छे गाने बनाऊँ, जो इतना हिट हुआ अभी और ज़्यादा हिट करना, बॉलीवुड में जाना, आप सबकी दुआ होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। शी वॉज रियली लीजेंड, बट मैं क्या बोल सकता हूँ कि भगवान जो करते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता, बट इट्स वेरी 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 बिग लॉस टू इंडस्ट्री, और मैं नहीं पूरी इंडस्ट्री ही इस चीज़ से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। लास्टली प्रियंका जी का एल्बम तो हिट हो ही गया है और काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं, बॉलीवुड की बात करें तो क्या मतलब फ्यूचर में क्या है, किसी म्यूजिक डायरेक्टर से अप्रोच किया आपको या किसी गाने के लिए आप? अभी मैंने किसी म्यूजिक डायरेक्टर से कभी अप्रोच नहीं किया और ना ही मैं कभी मिला हूँ, मैं फ़ैन हूँ प्रीतम दा का, मैं फ़ैन हूँ अपना हिमेश जी का, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर ए आर रहमान जी का फ़ैन हूँ, बट मैंने अभी तक कभी किसी को अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे एक दो और बड़े बड़े गाने आ जाएं, उसके बाद मैं उनके पास जाऊँ ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हाँ कोई अच्छा बंदा है। इसके बाद जो परफॉर्मेंस होगी मैं जल्दी अनाउंस करूँगा, लेकिन आज का तो मुझे पता है कि धमाल होने वाला है। रियलिटी शो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो मुझे ये हंसी आती है कि ऐसी भी हरकतें इंडस्ट्री में होने लगी, बट मैं बोलना नहीं चाहूँगा है तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप कभी भी कुछ करते हो, मैक्सिमम मैंने यही सुना है इंडस्ट्री में कि जो आप सुनते हो किसी पे कुछ होता है, क्योंकि किसी पे भी कोई केस होता है तो कभी झूठा होता है सच्चा होता है पता नहीं चलता, बट इस केस में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि सबको ऑलरेडी दिख चुका है, पता चल चुका है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इधर अरे यश वड़ाली के परफॉर्मेंस के बारे में तो बोलने की बात ही नहीं है, पूछने का सवाल भी नहीं है, जवाब यही है कि हमेशा वो अच्छा ही गाते हैं, अच्छे सिंगर हैं, वड़ाली ब्रदर्स से सीख करके आए हैं, तो डेफिनेटली वो बात तो है ही है उनमें कि भाई अच्छा ही गाएंगे, और एक बात तो ये तय है कि भाई हम एज एन एक्टर हमने बहुत सारी फिल्में की है, एज ए डायरेक्टर भी मैं और मेरा फ्रेंड शिवा हम लोग दोनों मिलकर कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमने उसको बुला हुआ है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जितना बिजी हो जाए, लेकिन उसको हमारी फिल्म में गाना पड़ेगा, तो ही विल बी सिंगिंग फॉर आवर फिल्म ऑल्सो, एंड एज एन पर्सन ये मैं बोलूँगा कि ही इज़ द नाइसेस्ट पर्सन आई हैव कम अक्रॉस, बहुत सारे लोगों को मिले, सब अच्छे होते हैं, लेकिन एक अच्छाई में भी अच्छा इंसान जो होता है ना वो ये है। बैरल में एक जो रियल बियर मिलता है ना, यहाँ जो इनका बियर बनता है, बियर खास मतलब ये जो अपना बियर बना करके पिलाते हैं उसका एक मज़ा अलग है, तो वो बियर पीने का मज़ा एक अलग है, तो बियर की बात मैं करूँगा, और बैरल में एक एम्बियंस जो है बहुत बढ़िया एम्बियंस है यहाँ का, और एम्बियंस देखिए सारा खेल एम्बियंस का है, एम्बियंस अगर जो अच्छा नहीं होगा तो आप घर से बाहर निकल करके बाहर खाना खाने या ड्रिंक करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए आप नहीं जाएंगे, तो एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा एम्बियंस होना बहुत ज़रूरी जो यहाँ पर है। अभी कुछ
सॉरी श्रीदेवी जी नहीं रही तो कितने दुख की बात है और क्या कहना चाहेंगे कि एक दुख की बात में तो ये है कि एक बहुत बड़े लेवल की टैलेंटेड एक्ट्रेस जो है वो हमारी इंडस्ट्री को छोड़ करके चली गई है और मतलब बहुत ही अनटाइमली डेथ है उनकी जो होनी नहीं चाहिए थी लेकिन अब हो गई है तो इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते लेकिन इट्स अ बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री डेफिनेटली 101% बहुत बड़ा लॉस है। अगर ये होती तो शायद और सारी फिल्में जैसे मॉम आई थी जैसे इनकी इंग्लिश विंग्लिश आई थी ये सब फिल्में जो इन्होंने की हैं तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में हमें और देखने मिलती अच्छे से परफॉर्मेंसेस देखने मिलते हैं ये सब चीज़ हम मिस करेंगे डेफिनेटली 101%। सॉरी प्रोजेक्ट्स में मैंने लास्ट फिल्म की थी चौक एंड डस्टर उससे पहले की थी वेलकम बैक और ऐसी एक आध फिल्म अनीस बज़मी जी जो अभी बनाने वाले हैं तो उनके साथ में एक और फिल्म मैं करने वाला हूँ। लास्ट एक पार्टी में हम मिले थे तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था उन्होंने बोला था कि आदि भाई हम एक और फिल्म कर रहे हैं हम लोग साथ में काम करेंगे तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू यश मनाली 2018 का बहुत बड़ा स्टार है इज गोइंग टू बी रॉकिंग सिंगर इन बॉलीवुड और वैसे भी मैं और आदि ईरानी हम दोनों मिलके फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं एंड वी हैव प्रॉमिस्ड हिम अ सॉन्ग एंड वी विल डेफिनेटली गिव हिम अ वेरी गुड सॉन्ग इन आवर फिल्म। और बैरल के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस वक्त नाइट स्पॉट है क्या एक्साइटिंग है क्या यूएसपी है इस नाइट स्पॉट का पता नहीं बैरल में एक बहुत बड़ा कमाल का पॉजिटिविटी है मैं इससे पहले भी आया था जब ये पंप रूम था वो इतना पॉजिटिव नहीं जितना बैरल का पॉजिटिविटी है। यहाँ पे आने के बाद यू फील सो रिलैक्स्ड कि नॉर्मली लोग आते हैं यहाँ पे पार्टी करने रिलैक्स होने के लिए एंड यू फील दैट रिलैक्सेशन आउट हियर विच इज़ द बेस्ट थिंग इन मुंबई में ऐसी जगह मिल जाए तो इंसान और कहीं जगह ना जाए सिर्फ उसी जगह पर जाए और मैं यहाँ एक बार नहीं कुछ 8-10 बार आ गया हूँ एंड जब मुझे आने का मौका मिलता है तो आई फील सो गुड टू कम हियर बिकॉज पॉजिटिविटी इज़ द मेन थिंग। बहुत बहुत ह्यूज शॉक है आप नहीं मानेंगे मैं जब से उन आई बिन अ बिग फैन ऑफ हिज मैं क्या दुनिया में 80-90% लोग उसके फ़ैन थे और मुझे रात को नींद नहीं आई क्योंकि एक ऐसी हस्ती हमारे बीच में से अचानक निकल गई जो कोई यकीन नहीं कर सकता और डेथ का कारण ड्राउनिंग आई मीन इट्स अ नेग्लिजिबल थिंग बट एक हस्ती निकल गई हमारे यहाँ से और इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस है जैसे एक तरफ अमिताभ बच्चन है तो दूसरा हम श्रीदेवी का नाम ले सकते हैं जो किसी भी किस्म की एक्टिंग कर सकती थी और ऐसी कितने सारे किरदार कर सकती थी जो हम नहीं देख पाए सो वी लॉस्ट द बेस्ट परफॉर्मर इन द इंडस्ट्री। एज एन एक्टर राइट नाउ मेरा एक शो चल रहा है जी मैजिक पे रुद्र के रक्षक विच इज़ ऑन सिंस 1 ईयर नाउ आई गॉट इन डायरेक्शन विद आदि हमने एक फिल्म डायरेक्ट की थी लेकिन वो किसी वजह से सब अटैच हो गई सो वी आर स्टार्टिंग वेरी बिग फिल्म नाउ एंड उस पर हम स्क्रिप्टिंग में लगे हुए हैं एंड एज एन एक्टर मैं आई एम डूइंग 3-4 फिल्म साइमल्टेनियसली सो इंडस्ट्री में है इंडस्ट्री में लास्ट दम लेंगे उससे जाएंगे नहीं मरे काम करे बिना मरना यही है जीना यही है एंड आई वुड से प्लीज़ प्लीज़ यश विडाली को आप हौसला अफजाई करें आप जो भी आप देखने वाले हैं इस बाइट को प्लीज़ वॉच आउट फॉर दिस पर्सनालिटी इज़ गोइंग टू रॉक अगर एक तरफ हनी सिंह है और अगर अरिजीत सिंह है तो बीच में एक और कलाकार पैदा हो रहा है यश वडाली एंड इज़ गोइंग टू रॉक द इंडस्ट्री वेरी सून जस्ट बिलीव माई वर्ड्स एंड जितना हो सके उसको थम्स अप दीजिए बिकॉज अच्छे परफॉर्मर को हमेशा हमेशा आगे लाना चाहिए। Please, I request you all, please give him so much of votes, so much of power, ताकि वो आगे बढ़े और ऐसे उनर हमेशा आगे बढ़ने चाहिए। Good luck. Anyway, guys, कल होली है प्लीज़ enjoy होली with lots of colors. Please, कोई ग्रीस या ऑयल से किसी से मत खेलिए गुलाल से खेलिए which is the best thing to do, या पानी से खेलिए And please enjoy your holi. I'm going to enjoy my holi tomorrow. So I'm waiting for it. After 12 hours, I'll be there in rain dance. Bye-bye. यश तो मतलब मैं पहले से सुनते आ रहा हूँ एंड इज़ अ फैब सिंगर ऑब्वियसली बट बैरल में पहला परफॉर्मेंस है उसका
सो लेट्स सी, आई मीन मैं गया नहीं हूँ अंदर अभी तक, तो एक बार अभी तो फिलहाल चालू है. और बैरल है जो नाइट स्पॉट, क्या कहना चाहेंगे, क्या यूएसपी? बैरल इज हैज डिफरेंट यूएसपी एवरी टाइम दे कम अप विद न्यू थिंग्स. और इसके पहले भी सूफी नाइट किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है. और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने परफॉर्म किया है, सुयश ने, स्टेबिन ने, ये लोग परफॉर्म करते रहते हैं. यश का ये पहली बार है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज. होली में वैसे मैं होली इतना खेलता नहीं, बट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ईयर, तो मैं होली के लिए जाने वाला हूँ. सेलिब्रेशन क्लब में हम BCL के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पे होली के लिए जाने वाला हूँ. थैंक यू. तैयार होकर ज़्यादा पसंद नहीं जगह, तो इसीलिए नंबर वन पे मैं बैरल को रखूँगी. बाकी जो भी क्लब्स हैं उनको मैं बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा. इवन मेरी भी वो फेवरेट थी, बहुत बुरा लगा सुन के. मुझे रात को पता लगा, इट वॉज़ वेरी सैड. या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द फैन ऑफ दिस प्लेस. बैरल जो है पूरे लोखंड वाला में, पूरे अंधेरी में, इनफैक्ट पूरे बॉम्बे में द मोस्ट हैपनिंग प्लेस. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई ब्रदर. लव यू. एंड इनकी जो मेहनत है, जो इनका प्यार है लोगों के लिए, कि लोग यहाँ पर आते हैं इनकी मोहब्बत के लिए आते हैं. एंड ऑब्वियसली द प्लेस इज सो गुड. मैंने कहा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस इन बॉम्बे टू चिल, टू पार्टी विथ, एंड बिकॉज ऑफ हिम. Thank you. And I'm glad to be here tonight. And they're going to go inside and having a musical fun. What's the guest performance? क्या करते हैं? कितना appreciate कर रहे हैं performance? Definitely, he's a good singer, and I hope I'm going to be inside after a couple of minutes. So I'm sure the people must have enjoyed a lot of his performance, and now I'm going to have a look. काफी सारे happening events तो हो ही रहे हैं. future में क्या planning है? किस तरह से और बड़ा event या बड़ा कुछ mega? यार इनके साथ पूरी industry है यार, ये किसी को भी एक आवाज लगा देंगे सब खड़े इनके लिए. तो सब लोग साथ में इनके, and I'm sure I'm gonna promote my next film का music here. and दिल जंगली मेरी फिल्म आ रही है अभी. thank you भाई. तो मैं बोलता हूँ दिल जंगली का जो musical party होने वाला है वो उधर ही करने. yes. thank you. यार ये बैरल तो मेरा फेवरेट प्लेस है, मेरे भाई का जगह है, तो आई लव इट, यू नो. और ऊपर से हिप हॉप है, तो मैं एकदम हिप हॉप आउटफिट में आया हूँ. तो वी वांट टू किल द नाइट. और यार वी हैव बीन फॉलोइंग, मैं तो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ उनको इंस्टाग्राम पे, उनको फेसबुक पे. उनका एक इवेंट भी मैंने एक्चुअली देखा हुआ है लाइव में, तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट. आई एम जस्ट वेटिंग टिल दैट टाइम इट गोज आउट ऑफ प्रमोशन. नो नथिंग, अभी तो मैं चिल मार रहा हूँ. I think the USP is just the way he sings, and it's pretty lively, whatever he sang. And all the songs that he sang were my favorite, and I love Punjabi music, and that is what he sang, so it was really nice. And what about the Barrel? There are so many night spots in Mumbai. What is special about Barrel as a night spot? Barrel is actually a very dear friend's place, so I love coming here. I just love the music, I love the ambience, I love the food is amazing, and everything about this place is just fantastic. And professionally, are you working on any projects in the future? Right now, I'm actually on a break, so I'm just enjoying being at Barrel right now. So I'm just partying at the moment. Thank you. Yash Vadali ke liye kya kehna chahiye? Yash Vadali is a great singer. Tabhi humne unko yahan pe performance rakha hai. And sabko andar nacha rahe, aap logo bhi jaake nachne chahiye. सो होली का मौका है, एंड वी थॉट ऐसे सेलिब्रेट किया जाए हम लोग. तो यश वड़ाली बहुत अच्छे सिंगर है, एंड वी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर होली, फॉर पीपल टू सिंग एंड एंजॉय द कलरफुल ट्यून्स, एंड दैट्स व्हाई ही इज हियर परफॉर्मिंग फॉर अस. थैंक यू. हैप्पी होली. हैप्पी होली. ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस.